ये जो लाभार्थी वर्ग है ना, उसने कुछ काम खराब किया है। कुछ हमारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो अपना विकास सिर्फ जो दो रोटी खा लेते हैं उसी को विकास समझते हैं। पेट भर गया वही विकास है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझते विकास को। ऐसे लोग जो है ना वो बिक गए भावना में बिक गए। अब जो लोग 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, चावल मिलता है, और वो कहता जी हमें तो रोटी वही दे रहा है जी, ऐसे बोलते हैं, तो भावना में बह गया और जाकर के वोट उसी को दिया। मैं ये जो पार्टी बनी है ना, हमने अपने खून पसीने की समाई, मैं बाम से का कार्यकर्ता रहा हूँ और अपना तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज उनको देता था, और उस समय से मैं उसको वोट करता हूँ। जब मेरा एक वोट भी निकलेगा तब भी मेरा अपना वोट है। तो ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हेरा फेरी होने से ऐसा हुआ है, ये हमारा 22-23% वोट तो इंटैक्ट है ही। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से रिजल्ट आया है यूपी का और तमाम 5 प्रदेशों का, और उसमें बीजेपी 3 प्रदेशों में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की बना पाई है, और हम खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का रिजल्ट निकल कर आया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को जरूर अपने एग्जिट पोल में दिखा रही थी कि बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो क्या लगता है आपको कि अब की बार जो सरकार बनी है वो वाकई सही फॉर्मूले के साथ बनी है या इसमें कुछ गड़बड़ झाला है? बिल्कुल पूरा गड़बड़ झाला है इसके अंदर। जो जमीनी हकीकत है उससे एकदम अलग हट के रिजल्ट आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, जिस जगह आप बैठ करके मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं उस विधानसभा को ही लें। मैं 18 साल तक खोड़ा में मैंने काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो हमने चलाया, आज भी चल रहा है। वहाँ पर 7.5-8 लाख आबादी है और उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं शेड्यूल कास्ट के हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा समूह है जो जाटव ग्रुप का ही है, स्पेशल जाटव ग्रुप का है। मगर जब वोट खुलता है तो देखते हैं कितना, 5% वोट मिला, जो कि संभव नहीं है। जमीनी हकीकत के एकदम अलग है, कुछ जरूर कुछ न कुछ खेल हुआ है EBM के द्वारा। लेकिन अब की बार तो बीजेपी के कुछ लोग ये आंकड़ा पहले ही दे चुके थे। अगर हम आज तक के जो एक्सिस पोल थे उनमें वो साफ कह रहे थे कि 41-40% मतलब जो जाटव है वो भी खिसक गया अब की बार। गलत कह रहे हैं, ये तो प्रीफिक्स था, जो पहले ही ऑलरेडी EBM में प्रीफिक्स था उसी को उनका मीडिया बकरा है, वही कहे जा रहा है। ये उनको कैसे पता चल गया और वो एग्जैक्ट आंकड़े? क्या सरकार मिली हुई है, बिके हुए हैं, करोड़ों का बिजनेस मिलता है, करोड़ों की एड मिलती है जो मीडिया वालों को, तो सारी खबर उनको रहती ही है। एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है पीटर सिंह अधिकारी की। जी हाँ, वो उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ये बिल्कुल सच्चाई है? लोग डर के मारे कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरा एक और है, जो एक और जमीनी हकीकत है जो मेरे दिमाग में है, ये जो लाभार्थी वर्ग है ना, उसने कुछ काम खराब किया है। कुछ हमारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो अपना विकास सिर्फ जो दो रोटी खा लेते हैं उसी को विकास समझते हैं। पेट भर गया वही विकास है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझते विकास को। ऐसे लोग जो है ना वो बिक गए भावना में बिक गए। अब जो लोग 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, चावल मिलता है, और वो कहता है जी हमें तो रोटी वही दे रहा है जी, ऐसे बोलते हैं, तो भावना में बह गया और जाकर के वोट उसी को दिया। इसके परिणाम क्या होंगे, क्या लग रहा है आपको, अब आगे जो है इसके परिणाम भी भुगतने होंगे क्या? लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संविधान का गला घोंटा जा रहा है। अगर ऐसे ही आगे रहा तो एक दिन संविधान खत्म हो जाएगा। BSP पर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जो लोग समाजवादी के पाले में खड़े थे चुनाव के वक्त, वो भी अब BSP को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कहेंगे? अरे ये जो पार्टी बनी है ना, हमने अपने खून पसीने की समाई, मैं बाम से का कार्यकर्ता रहा हूँ और अपना तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज उनको देता था, और उस समय से मैं उसको वोट करता हूँ। जब मेरा एक वोट भी निकलेगा तब भी मेरा अपना वोट है। तो ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हेरा फेरी होने से ऐसा हुआ है, नहीं हमारा 22-23% वोट तो इंटैक्ट है ही। तो बाम से आप कह रहे हैं कि मैं देता था? जी हाँ, आज भी देता हूँ, आज भी देता हूँ, मगर आज हमें ज़रूरत है। जो बामसेब के कुछ टुकड़े हुए हैं, कुछ हमारे मतलबी लोग हैं जो अपना
मकसद पूरा करना चाहते हैं वो लोग अलग अलग ग्रुपों में बट गए, वो एक प्लेटफार्म पर किसी भी तरीके से आए, कोई हमें जिद नहीं करनी है, अरे भाई तुम्हें एक सीट चाहिए तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, दो चाहिए तुम ले जाओ, साथ खड़े रहो, वोट नहीं बटेगा आज नहीं तो कल हम जीतेंगे ही, फिर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, निराश होने की तो बात ही कुछ नहीं है इसमें। अच्छा अब आगे की जो राजनीति, दलितों की जो राजनीति है उसको कैसे संवारा जाएगा, उसके लिए क्या कदम उठाने हैं? यही कदम उठाने हैं, हमें अभी तक जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार है, सीधी सीधी भाषा है, अभी तक मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ, खोड़ा में हम जब रहते थे तो शुरू शुरू में हम दो झांकियाँ निकालते थे अम्बेडकर जयंती की, उसके बाद क्या हुआ धीमे धीमे तरक्की करते करते 25 झांकी निकलने लगी हमारी, और हमारे लोग कानों में तेल डाल के बैठ के कहा हमसे बहादुर कोई नहीं है, और हम देखते हैं कि झांकियों की संख्या घटते घटते 8 पर आ गई। क्या हुआ एक दिन हमारे बिरादरी किसी ने चक्कू भोंक दिया तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, और हम लोगों को ढूंढते फिरे कि भाई किस तरीके से हुआ क्या होगा, आज ये हुआ बहुत अच्छा हुआ है, आज इनको झटका लगा है तो इनकी चेतना जागृत हो रही है, फिर सोचने को मजबूर हो रहे हैं, फिर क्या हमने काम किया नए सिरे से, फिर एक संगठित हुए, आज भी 25, 26, 28, 30 तक झांकियाँ निकलती हैं वहाँ पर। तो कैडर जब काम करेगा ना तो उसके रिजल्ट आने ही हैं, पॉजिटिव आएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 24 आने वाले समय है, 2 साल का समय कम नहीं होता, जितने हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं कसम खा लें कि हमें घर से निकल के 20 लोगों से मिलना है, कितना मल्टीप्लीकेशन होगा देखिए ना। ऐसा नहीं है, शुरू में कुछ इस तरह की दिक्कतें आई थी, बाद में वो सब ठीक कर दी गई थी, बामसेफ संगठन अपना खुद काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसमें थोड़ा टूटन हुई है, कुछ बट गए आपस में, और कोशिश की जा रही है कि वो एक प्लेटफार्म पे आए और जल्दी वो एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। आ जाएगा। अच्छा क्या कहना चाहेंगे बसपा के लिए कि बसपा जिस तरह से आरोप लग रहे हैं मुस्लिम समाज को कहा जा रहा है कि लगातार आरोपित किया जाता है मुस्लिम समाज को बसपा की तरफ से, बहन जी लगातार आरोप मुसलमानों पर लगा दे, तो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं कहा गया था उनके बयान को अगर देखें तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो गलत कह रहे हैं, बहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं है, बहन जी ने कहा जो उसका मजमून यही है कि मुस्लिम का जो वोट है ना वो हमेशा एक तरफ आ जाता है और वो ये सोच के चलता है कि बीजेपी को कैसे हराना है, मगर पहले से एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि बसपा को हराने वाली ये जो सपा को जो भाजपा को हराने वाली सिर्फ सपा ही है, तो ऐसा एक नैरेटिव बना, तो मोमेंट्स लोग जो बहन जी ने ये कहा है कि वो लोग एक तरफा उधर चले, आने 2024 में आप देख लेंगे कि उसका परिणाम आने वाला ही है। 2024 की तैयारियां किस तरह की हो थोड़ा सा इस पर भी बता दीजिए। बस गांव गांव घर घर जाके, एक तो ये होना चाहिए एक गांव गांव घर घर जाके हमारा छोटा जमीनी लेवल का कार्यकर्ता जाके लोगों को कन्विंस करे समझाए, दूसरा जो ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए, जब तक ईवीएम रहेगी हम इन लोगों को हरा नहीं पाएंगे, ये पक्का है। जिन लोगों ने जिन देशों ने ये मशीनें बनाई उन लोगों में आज उनको मशीनों को अलग रख दिया, बैलेट से चुनाव होता है तो ये बहुत जरूरी है, जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे ईवीएम के खिलाफ तब तक हमारी जीत होना बहुत मुश्किल होगा। तो आप मानते हैं कि इस बार का जो चुनाव हारी है बसपा या ये बीजेपी जीती है उसके पीछे ईवीएम का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने आपको बता दी ना 5% वोट बता रहे हैं, खोड़ा का 5% 85% आबादी है, उसमें जाटव ग्रुप ही 50% के करीब है, तो कारण बड़ा है। जी हाँ, चलिए थैंक यू। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।